हेलो, स्वागत है आपका विकी प्रोसीडियर इन्फो में। आज हम देखेंगे राजस्थान में पानी के कनेक्शन का नाम हस्तांतरण कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पेज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इनका लिंक, ये जो हाइलाइटेड लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पेज में आ सकते हैं। इस पेज के बाएँ तरफ आप एक लैंग्वेज टैब देख रहे होंगे, उससे आप अपना लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये पेज हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। तो राजस्थान के निवासी अपने वाटर कनेक्शन का नाम हस्तांतरण के लिए नज़दीकी PHED ऑफिस जाएंगे व्यक्तिगत रूप से और आवेदन कर सकते हैं। जाकर यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जिसमें क्लिक करते ही आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ऑफ राजस्थान यहाँ पे आ जाएंगे। और इस पेज में आप देख सकते हैं सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट, नाम, ऑफिस एड्रेस वगैरह दिया हुआ है। ऑफिस पहुँचने से पहले कुछ ज़रूरी कागजात आप अपने साथ रखिएगा, उसमें जैसे कि ओनरशिप सर्टिफिकेट, सेल डेट, NOC सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, जल शुल्क का अंतिम बिल इत्यादि, और अपने पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि किसी भी एक कार्ड का आप फोटोकॉपी रख सकते हैं। इन सभी कागजातों का फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी आप अपने साथ में लेकर जाना होगा आपको। इस ऑफिस में पहुंच के ही आपके नज़दीकी PHED और PHED ऑफिस में पहुंच के ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पेमेंट करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सारे ज़रूरी कागजात उसमें अटैच करके आधिकारिक को जमा करेंगे। आधिकारिक सारे जांच करने के बाद आपको प्रोसेसिंग फ़ी के लिए बोलेंगे। प्रोसेसिंग फ़ी जमा करने के बाद आपको रसीद मिल जाता है, जिसे आप फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर साइट वेरिफिकेशन के लिए आ भी सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बिलिंग चक्र में आपने जो भी आवेदन किया है, वो आपको नाम हस्तांतरण आपको मिल जाएगा। वीडियो को आपने आखिर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।